आप अभी फिल्म की एक शूट अटल जी पे फिल्म बन रही है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मुझे बार बार सवाल आ रहे हैं कि उस पे ज़रा ज़रूर पूछ लो, क्या अनुभव, कैसा फील करें? एक तो आपका स्टिल देखा है, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। अच्छा बना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है करते हुए। रवि यादव जी डायरेक्टर हैं, वो लेखक भी हैं, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से और परिश्रम से कर रहे हैं। ये जानते हुए कि चुनौती बड़ी है, इनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और उसको एक दो घंटे के फिल्म में समेटना भी अपने आप में बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है, पर हम लोग प्रयास हैं कि उसको ठीक ठाक से निभा लें। चूंकि अभी मेकिंग के प्रोसेस में है तो बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो आप ही के बारे में पूछूं, क्या आप एक किरदार में ऐसे घुस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये पंकज त्रिपाठी हैं? मतलब आप वही किरदार बिल्कुल असलियत में लगने लगते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आप लाते हैं, क्या सोच कर एक अभिनेता के तौर पर, ज़रा थोड़ा बताइए। मैं सर का जूनियर हूँ, हम लोग एक ही संस्थान से पढ़े हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से। तो ये बताने के पीछे दादा ये भी कारण था कि मैं भी विद्वता मुझ में भी है। हाँ नहीं, सही बोला कि आम तौर पे फिल्मी लोगों के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि ये कम जानकार होते हैं, और ये सच भी है। हम जो लोग, हम जितने किरदारों के नाम लिए जो यूपी से गए हैं और सिनेमा में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो वो वही लोग थे, बाकी वहाँ थोड़ा ज्ञान का अभाव कई बार दिखता भी है। तो खैर, अटल जी पे क्या पूछी थी आप? मैं यही पूछी, हाँ, ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है। जी जी, मैं मेरी समस्या में भूल जाता हूँ बीच में ही। तो ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है, तो यही काम सीखे हैं, इसी में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो कई चीज़ें हैं, वो हमारा जादू का खेला है, हमारी काले रंग के झोला में बहुत आइटम रहता है, कब किसको निकालना है और कितने देर के लिए निकालना है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो और उस जादू में बहुत लोग सहयोगी होते हैं, वो कैमरामैन, वो एडिटर, वो साउंड वाले, लेखक। सबसे बड़ा काम तो लेखन का है, असल खेल लेखन का होता है जी। तो कई बार अच्छे लिखे स्क्रिप्ट को हम लोग अच्छा अभिनेता मान बैठते हैं, तो राइटिंग अच्छी होती है। तो उस किरदार को कैसे उतारते हैं अपने अंदर, या क्या रहता है तेरा विचार? वो तो साइनिंग अमाउंट आते के साथ किरदार आने लगता है। साइनिंग अमाउंट जैसे बैंक में गिरा, एक SMS आया क्रेडिटेड, वैसे ही कैरेक्टर की सीडिंग हो जाती है। बीज सीडिंग, सीड तो चाहिए ना, शुरुआत कहीं तो बीजा रोप, बीज चाहिए सीडिंग, तो सीडिंग तो बैंक अकाउंट से होती है। तो नहीं, ये हंसने के लिए बोला, क्योंकि हम सब गंभीर हो गए थे, लग रहा था कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो नहीं, मैं उसी का पढ़ाई किया हूँ, उस लंबा प्रोसेस है, उसको दो चार शब्दों में बताना मुश्किल है। बिल्कुल। अटल जी को सबसे तैयारी करने के पीछे मैं इनके लगभग 30-40 घंटे का YouTube पे जो कुछ भी मौजूद है, उनका पुराना इंटरव्यू, इवन विजय त्रिवेदी जी के साथ एक 24 घंटे का पूरा एपिसोड है, NDTV के लिए ही किया था, तो वो पूरा देखा। फिर मैं विजय जी को फ़ोन करके कि ये बनाते हुए आपके क्या अनुभव थे, उन्होंने किताब भी लिखी है, तो जितने लोगों ने किताब लिखा है, इंटरव्यू किया है, बनाया है, लगभग हर किसी से को पढ़ा और पढ़ के कुछ लोगों से बात भी किया। फिर किरदार को आत्मसात करने के 2-3 तरीके हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे करें कि बिल्कुल कैरिकेचर भी ना लगे, इमिटेशन भी ना लगे, कि मिमिक्री मुझे नहीं करना है, और वो प्रभाव भी मिल जाए और मौलिकता दोनों की बची रहे, अटल जी की भी और मेरी भी, और लेकिन थोड़ा अटल जी जैसा भी लगे। तो है चुनौतीपूर्ण काम, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, और जब फिल्म आएगी तभी लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे।